नमस्कार दोस्तों, आज की जो खबर है, ताज़ा खबर है एलटी के बारे में, आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से है ये। इसमें देख सकते हैं आप, डेट ये 12/11/2021 की है, संवाद 176 करके है। विज्ञापन संख्या दिया है एलटी पद की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने के संबंध में। पिछले कुछ समय से अभ्यर्थियों द्वारा लगातार अनुरोध किए जा रहे हैं कि उपरोक्त सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया करना है कि इस भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका संख्या ये है 12/11 यानी कि 2021। श्री ओम प्रकाश गौड़ व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21/9/2021 को पारित अंतरिम निर्णय में उपरोक्त विज्ञापन संख्या 13/10/2020 के द्वारा प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया को अस्थगित किया गया है। अतः वर्तमान में इस विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा परिणाम जारी किया जाना संभव नहीं है। ये आयोग की ओर से देखिए, संतोष बडूनी जी के यहाँ पे साइन है सचिव। तो फ्रेंड्स, लगता है कि जो ये रिट यहाँ पे दायर की गई है उच्च न्यायालय में, तो अभी इनका कहना है कि आयोग की तरफ से इस मतलब उसमें इस विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा परिणाम करना जारी मतलब जारी किया जाना संभव नहीं है करके इन्होंने लिखा है। तो एक बोल सकते हैं, जब तक इसका डिसीजन नहीं निकलता है तब तक एलटी का रिजल्ट आने की चांसेस बहुत कम है, जब तक ये केस यानी कि इनका फाइनल नहीं हो जाता। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे की जो भी जानकारी इससे रिलेटेड होगी वो आपको इस चैनल के जरिए दी जाएगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसमें, जो भी जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।